हेलो डियर, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मर्डर शब्द जो कि स्लैंग वे में यूज होता है और उसका हिंदी कुछ अलग होता है। देखिए, पहला इसका हिंदी मीनिंग होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा कठिन होती है तो उसे आप बोल सकते हो मर्डर। दूसरा इसका हिंदी मीनिंग होता है टू पनिश सीवियरली, मतलब दो बहुत भयंकर वाला दंड देना। एग्जाम्पल से अच्छे से मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर ए और बी आपस में बात कर रहे हैं। ए बी से क्या पूछ रहा है, हाउ वाज योर टेस्ट, मतलब आपका टेस्ट कैसा रहा। तो बी ने क्या कहा, इट वाज मर्डर। इट वाज मर्डर इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा कठिन था, इतना कठिन था कि मुश्किल से मुझे एक या दो क्वेश्चन पता थे। या कहने का मतलब है कि मेरे टेस्ट ने तो मुझे मार ही दिया, मेरी हालत खराब कर दी, इतना ज्यादा कठिन था, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेटिंग ऑल द ईयरली एक्सपेंसेस इज मर्डर, मतलब साल भर का जब हम खर्च कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला जो काम है ना, ये बहुत ही कठिन होता है। मतलब इस काम को आप करते हो तो सच में भी आप मर जाओगे, इसे कर करके इतना ज्यादा कठिन है। तो आपने देखा दोनों ही एग्जाम्पल में मर्डर का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब देखते हैं हम ये वाला मीनिंग, टू पनिश सीवियरली, मतलब बहुत भयंकर वाला दंड देना। इसका पहला एग्जाम्पल है, इफ यू आर लेट अगेन, अगर तुम फिर से लेट होते हो तो आई विल मर्डर यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब सच में नहीं मारेंगे लेकिन एक डरा रहे हैं कि अगर तुम फिर से लेट हुए तो तुम्हें बहुत भयंकर वाली सजा मिलेगी। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर विल मर्डर मी इफ आई डू दिस, अगर मैंने ये काम किया तो मेरे पापा मुझे मार देंगे। अब सच में नहीं मारेंगे लेकिन वो बहुत बुरी सजा मुझे देंगे। तो आपने देखा मर्डर के दो मीनिंग, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और दूसरा होता है टू पनिश सीवियरली। तो आई होप कि इस वीडियो से ये दोनों मीनिंग आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।